प्रीता ल्याय वरुण की असली सच्चाई सबके सामने जी। हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब पलकी प्रीता को कहेगी कि प्रीता जी आप कुछ सोचिए, हमें काव्या को वरुण से कैसे भी करके बचाना है और ऐसे हार नहीं माननी है और हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, तभी प्रीता पलकी को कहेगी कि पलकी हाँ तुम सही कह रही हो, वरुण ने हमारे हाथ बांध दिए है ना, तो देखो पलकी किस तरह हम दोनों के हाथ खुल सकते हैं। तभी पलकी अपने आसपास हाथ खोलने के लिए सामान ढूंढेगी और सामान कहीं नहीं मिलेगा। प्रीता को आइडिया आएगा और प्रीता पलकी को कहेगी कि पलकी हम दोनों तो साथ में वैसे भी नजदीक बैठे हैं ना, तो तुम बैठे बैठे इस चेयर को मेरे पास लाने की कोशिश करो और यहाँ पर मेरे रस्सी के करीब आ जाओ और अपने हाथ से खोल दो, बाद में मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी। जिसा सुनकर तभी पलकी अपना चेयर उछाल उछाल कर प्रीता के पास आएगी और प्रीता के हाथ की बंधी हुई रस्सी खोल देगी और तभी प्रीता खड़ी होकर पलकी के हाथ के भी रस्सी खोल देगी और प्रीता पलकी को कहेगी कि अब थोड़े दिल को सुकून मिला है। तभी पलकी कहेगी कि प्रीता जी समय बहुत कम है, हमें वरुण का सच सबके सामने लाना है, इसके लिए हमें समय से पहले लूथ हाउस में पहुंचना होगा। जिसे सुनकर तभी प्रीता जाने की कोशिश करेगी, तभी घर का दरवाजा बंद होगा और पलकी अपने घर में होने की वजह से किचन की खिड़की से घर के बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर जब प्रीता और पलकी वरुण की सच्चाई लाने के लिए लूथ हाउस में पहुंचेंगे और प्रीता चिल्लाकर कहेगी कि वरुण अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, लंदन में किसी ने भी तुम्हारे डैड को किडनैप नहीं किया है, अब ज्यादा यहाँ से जाने के लिए झूठ मत बोलो वरुण, तुम्हारा सच आज सबके सामने आकर रहेगा। जैसा सुनकर तभी करण काव्या और निधि को काफी बड़ा झटका लगेगा। यहाँ पर तभी करण प्रीता को कहेगा कि प्रीता तुम कहाँ चली गई थी और ये तुम वरुण का कौन सा सच की बात करी हो। जैसा सुनकर तभी प्रीता कहेगी कि वरुण का ऑलरेडी एक अफेयर चल रहा है, वरुण की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है आलिया और वरुण उससे प्यार करता है, काव्या तो सिर्फ पैसों के लिए मोह रहा है क्योंकि वरुण लूथा इंडस्ट्रीज और पैसों के लिए काव्या से शादी करना चाहता है और अभी अभी वरुण ने मुझे और पलकी को मारने की कोशिश की है, इसने हम दोनों का हाथ बांध दिया था। जैसा सुनकर तभी करण को काफी बड़ा शॉक लगेगा और तभी करीना बुआ आगे आकर गुस्से से प्रीता को कहेगी कि प्रीता जस्ट शट अप, हमें अच्छी तरीके से पता है कि हमारा पसंद किया हुआ लड़का वरुण बहुत अच्छा लड़का है और हमारी बेटी काव्या से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए तुम प्रीता कुछ ना ही बोलो तो बेहतर होगा। यहाँ पर तभी पलकी करीना बुआ को कहेगी कि करीना जी प्रीता जी सच कह रही है, इस वरुण ने हम दोनों के हाथ बांध दिए थे और हमें वरुण की सच्चाई पता थी, इसलिए हम वरुण की सच्चाई सबके सामने ना ला पाए, इसके लिए वरुण ने हमें मारने के लिए छोड़ दिया था। जिसे सुनकर तभी करीना बुआ कुछ बोल नहीं पाएगी और आखिर में सपोर्ट करते हुए कहेगी कि हाँ पलकी, और तभी करण वरुण के पास गुस्से से जाएगा और वरुण को गुस्से से कहेगा कि वरुण ये सच है, तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारा उसके साथ अभी भी अफेयर चल रहा है। जिसे सुनकर तभी वरुण कुछ बोल नहीं पाएगा। यहाँ पर तभी प्रीता वरुण के पास आएगी और वरुण को जोर से थप्पड़ मारेगी और कहेगी कि नीच खटिया निहायती इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या, अभी एक लड़की को तुम इतना बड़ा धोखा देने जा रहे हो और एक नहीं बल्कि तुम दो दो लड़कियों को धोखा दे रहे हो और पता नहीं वरुण तुमने आलिया के साथ क्या किया होगा, आलिया कहाँ है। तभी ऐसुन का वरुण कहेगा मैं किसी को नहीं जानता, ये प्रीता जी क्या बातें करी है, किडनैपिंग और मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, लगता है कि आप मेरी शादी काव्या के साथ नहीं होने देना चाहती इसलिए आप ये सब कह रही है। ये सुनकर तभी प्रीता कुछ बोल नहीं पाएगी और प्रीता के वरुण की सच्चाई लाने के बावजूद कोई भी प्रीता की बातों पे भरोसा नहीं करेगा, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और वरुण की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए क्या नहीं, और आपको किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, कैसा हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।